So, very good afternoon to all of you. So, students, in the today's topic, we will just study about that what is a double fertilization. Okay. In the last lecture, we just studied about that uh, how a pollen uh, tube formation takes place. Okay. So, first of all, before just knowing about the double fertilization, we will just talk about what is syngamy. Okay. So, what is the definition of this? वन ऑफ द मेल कैमेट मूव्स टूवर्ड दी एक्सेल ठीक है आपने जो लास्ट लेक्चर था उसमें आपने पढ़ा था कि जो हमारे जब भी जैसे पोलियन जू फॉर्मेशन होना लगती है ठीक है जो पोलियस उसमें ट्रेवल करते हैं ठीक है थीके? तो इसमें उन्होंने बोला कि जो मेल कैमेट है वो मूव करता है तो टूवर्ड्स सी थी एक्स एल ओके एंड फ्यूज विद दिस न्यूक्लियस जो उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके साथ वो फ्यूजन क्रिएट करेगा ठीक है एंड दस द कम्प्लीटिंग द सिगैमी वो एक सिंगेमी है प्रोसेस उसको वो कम्प्लीट करते हैं ठीक है ओके दिस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड सेल ये जब भी फॉर्मेशन जब हो जाती है इस कंप्लीट हो जाती है आपका क्या बन जाता है डिप्लॉयड सेल बन जाता है ठीक है द जाइकॉट हम इसको जयकॉट बोलते हैं मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि जब भी हम एक एन और एक एन से जब भी मीटिंग uh, होती है गैमेट्स की जब मीटिंग होती है वो डिप्लॉयड बनाते हैं ठीक है थे? जो डिप्लॉयड होता है हम उसको जयकॉट बोलते हैं क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ द टू एंड टेक्स प्लेस ओके द ऑदर मेल गैमेट मूव्स टूवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियर है जो ऑर्र मेल गैमेट है हमारा जो नेक्स्ट मेल गैमेट है वो जो दो पोलर न्यूक्लियर जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे वो मूव करेंगे ठीक है लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल ओके एज ये आर टेलिंग ये एंड फ्यूज विद दम टू प्रोड्यूस अ ट्रिपलॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ठीक है वो ट्रिपलॉइड बनाएगा ठीक है डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो कैम्स फॉर्मेशन है वो किस तरह की है ठीक है जैसे दो और तो टू और वन प्ल अगर प्लस हो जाएंगे तो वो थ्री टाइप का बनाएंगे जिसको हम ट्रिप्लॉइड बोलते हैं ठीक है जब वो दो बनेंगे तो जैसे ये डिप्लॉयड उन्हें सेल्स की बात की हम जाइगॉट की बात, बात कर रहे हैं ठीक है जो ट्रिपलॉइड प्राइमरी एंडोप्लाज एंडो स्पर्म सॉरी न्यूक्लियस वो फॉर्मेशन होगा विच इज कॉल्ड एज अ पी ई एन ओके सो एज द सन वॉल्स द फ्यूजन ऑफ द थ्री हैप्लॉयड न्यूक्लियस इट इज टर्म्ड एज अ ट्रिप्लॉयड फ्यूजन जब भी हम थ्री हैप्लॉयड न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं ठीक है हेप्लॉयड है वो सिंगल सिंगल एन की बात करते हैं ठीक है आपने पहले भी पढ़ा था ठीक है उसके बाद जब बनाते हैं हम उसको डिप्लॉयड बोलते हैं पर इसमें इन्होंने क्या बोला है कि थ्री हेप्लॉयड बन रहे न्यूक्लियस को दैट ऑफ वीच इज कॉलिंग द स्टर्म अ ट्रिप्लॉयड फ्यूजन ओके सिज द टू टाइप्स ऑफ द फ्यूजन सिन्गैमी एंड चिप्लाई फ्यूजन जब ये तीनों के तीनों आप आपके हो जाएंगे साथ में टेक्स प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैग जब वो एम्ब्रियो सैग में इसके आ, एम्ब्रोसैक्ट में ये चीज़ स्पोकन करेंगे ठीक है द फिनना इज़ कॉल्ड एज द टर्म एज अ डबल फर्टिलाइजेशन हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे ठीक है पहले वो डिप्लॉयड जाइगॉड बन गया ठीक है सिंग्यामी हो गया हमारा ठीक है जाइगॉड उससे पहले हमारा सिंग्यामी हुआ ठीक है उसके बाद जैसे पी एन करके उसके प्रोसेस भी हुआ अब जिसको हमने बोला ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ठीक है और उसके बाद इन सबको जब आप uh, मिला देते हो ठीक है तो वो बन जाता है डबल फर्टिलाइजेशन ठीक है एंड इवन यूनिक

बिफोर दैट वी आर जस्ट टॉक अबाउट द पी ई एन उसके बाद हमने बात की पी ई सी की ठीक है विच इज़ कॉल्ड एज अ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ठीक है एंड डेवलप डेवलप इंटू द एंडोस्पर्म वो एंडोस्पर्म में डिवेलप करेगा वाइल द जयगोड डेवलप्स इन टू अ एम्बरीओ जो आपका जयगोर्ट है वो किस में डिवेलप कर जाता है एम्ब्रियो में ठीक है आपने पहले भी स्टडी किया है कि जो फॉर्मेशन ऑफ द नेक्स्ट फॉर्मेशन जब टेक प्लेस करती है वो जो तो जयगोडी फॉर्मेशन होता है वो जो सर्टन काइंड प्रोसेस टेक प्लेस करता है वो एक एम्ब्रियो में आपका कन्वर्ट हो जाता है ठीक है सो so, एक अनदर डेफिनेशन भी है जो डबल फर्टिलाइजेशन के है दिस इज़ लाइक दैट इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ द टू मेल गैमेट्स ब्रॉड बाय द पोलिन ट्यूब दो मेल गैमेट जब भी आपके आएंगे जो पोलिन ट्यूब आपका लेके आता है ठीक है विद टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ठीक है टू प्रोड्यूस अ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लिया ताकि वो प्रोड्यूस करे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर ठीक है उसके बाद एंडोस्पर्म उसके बाद जयगोर जो फॉर्मेज उसको हम एम्बियो का नाम देते हैं ठीक है सो so, उसके बाद हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि हाँ ये सब जो डबल फर्टिलाइजेशन में ये का, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आप देखते हो ठीक है ओके वी आर हैविंग अ डायग्राम हेयर दैट द फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइज एम्बियो सैग शोइंग जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पी ई एन ठीक है हेयर यू कैन सी अ डायग्राम, ठीक है हेयर दे हैव शोन यू दैट द डी जेनरेटिंग सिनेरजिट्स ठीक है जाइगोट है जो टू एन बनाए क्योंकि वो डिप्लॉइड सेल्स की बात कर रहे हैं ठीक है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल पी ई सी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसको थ्री एन है जो डिप्लॉयड बना जाता है ठीक है पी एन जिसको हमने नेम दिया है इसमें नेक्स्ट दि है कि डिजनरेटिंग एंटीपोडाइल सेल्स दे आर प्रेजेंट इन द लोअर डायरेक्शन ठीक है नेक्स्ट इस फॉर्मेशन ऑफ़ जाइगोन ठीक है ग्लोबरार एम्ब्रियो है यहाँ पे आप ये देख सकते हो उसकी कैसे फॉर्मेशन है वो उन्होंने बताई है ठीक है सस्पेंसर है जो यानी एक पर प्रेजेंट होते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है ठीक है प्लेम्यूल मिच्योर ठीक है कॉलिंडन और दी रेडिकल ठीक है जो सेकेंड आपका सब टाइप बताया हमने बताया स्टेजेस इन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन अ डायकॉन ठीक है शोन इन रिड्यूस साइज़ एज कंपेयर टू ऑल ठीक है रिड्यूस साइज शॉट और साइज उसने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट कैसी इसकी इमेजेस फाउंड होती हैं ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन ठीक है अब इसकी सिग्निफिकेंसिस uh, क्या क्या हैं फर्स्ट फर्स्ट इज दैट इट प्रोवाइड्स द करेक्टिस्टिक्स ऑफ द मेल पेरेंट टू एंडोस्पम विच आर यूजफुल इन द स्टोरेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ठीक है ये आपका यूजफुल है ताकि वो स्टोर कर करें सर्टन काइंड न्यूट्रिशंस कोई न्यूट्रिशन को आप uh, दो भी उनको चाहिए उनको उनको, उनको स्टोर कर देता है ठीक है नेक्स्ट इज दैट इट इंश्योर्स द फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पम ओनली वन द एग इज़ फर्टिलाइज फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पम आपकी तभी होगी वैन द एग इज़ फुली फर्टिलाइज्ड ऐसी फर्टिलाइजेशन Oh, now it's very important only after that we can just say that the formation of the endosperm has taken place okay so that's all for the today okay so today we just studied about what is the process of the double fertilization thank you